गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक टू निक्षरी ब्लॉग्स। तो सुबह के बज रहे हैं 11:30 और यहाँ पे मैं नहीं, सुबह के बज रहे हैं 12:30, सॉरी, और यहाँ पे मैं 11:30 आ गई थी। हाँ, कई बार कन्फ्यूजन हो जाता टाइम को लेके। तो सीन कुछ ऐसा है कि घर में आज बने राजमा चावल, लेकिन मैं खा नहीं पा रही क्योंकि काकू गया हुआ है बाहर सामान लेने के लिए। इलेक्ट्रीशियन अंकल आ जाए थे, उन्होंने काफ़ी सारा सामान लिख के दिया था, पूरा एक पेज भर के, और मैं यहाँ पे बैठ के काफ़ी देर से एडिटिंग कर रही थी जो कल हम वीडियो शूट करके आए थे उसकी। एंड अभी अभी जस्ट काकू का मेरे पास कॉल आया है कि मैं इलेक्ट्रीशियन की शॉप से आ रहा हूँ, घर के नीचे आप मुझे मिलना तैयार हो के, क्योंकि कुछ पाइप वगैरह हैं वो पकड़ के लेके आने हैं, तो वो कोई है नहीं साथ में लाने के लिए, इसलिए आप साथ में चलना। उसके बाद फिर काकू घर पे आएगा, मतलब हम दोनों साथ में, फिर हम खाना खाएंगे। तो चल तो क्या निकल रहा है मुझे, तो चलो चलते हैं नीचे और जो भी पाइप वगैरह लाने होंगे आपको भी दिखाते हैं। मैं नीचे तो आगे वेट कर रही हूँ कि काकू कब आएगा। यहाँ पे तो जगह है नहीं क्योंकि लेंटर डलना है, तो ये मशीन आई हुई है, तो पता नहीं काकू वहाँ से आएगा या फिर यहीं से आएगा। वेटिंग फॉर हिम, तो जस्ट अभी आया है और ये सारा सामान तो लेके आ गया है जो स्कूटी पे आ सकता था, बट अब शायद बड़े बड़े पाइप है जो लेके नहीं आ पाएगा अकेले। तो काकू ने बोला कि आप भी साथ में चलो और वो बड़े बड़े पाइप लेके आओ मेरे साथ, तो मैं भी जा रही हूँ काकू के साथ। ओके, आ जाओ, आ गया, मेरे को भी बनाना। ये इतने बड़े पाइप है जो काकू लेके आया दुकान से, और ये मेरे को स्कूटी में पीछे लेके जाने हैं। आप पकड़ोगे स्कूटी, मेरे को चलानी है। अच्छा, कैसे पकड़ोगे आप ये सब, चले चले। बताने क्या चला गया स्कूटी चलाते हुए। जैसे तैसे करके अपने घर के पास तो आ गए हैं। ये रहे पाइप, कहाँ तक जा रहे हैं। और यहाँ पे शॉप पे काकू गया है घर के पास वाली पे, वो लेने के लिए क्या बोलते हैं कील वगैरह लेनी है, तो वो लेने के लिए गया है काकू। यार बैलेंस बिगड़ रहा है इनका, तो कैसे कैसे करके लेके आए हमें ही पता है। काकू आएगा फिर घर जाएंगे। मम्मी लेके आई है अभी राजमा की सब्जी और ये रोटी, और इसमें शायद है चावल। और क्या बात है, पूरा बंद हो गया ये तो। हाँ, चावल, इसमें चावल है। तो जल्दी से एक बार हम दोनों खाना खा लेते हैं। 3 hours later. मैं जब भी बनाने लगता हूँ ना, मेरे पीछे की साइड से ऐसे आता है। गाइस शाम के बज रहे हैं कितने, 5:10, और हम कहाँ पे हैं, KFC में। हम आए थे KFC में। पहले ही रोना मत कर देना, रोना स्टार्ट मत कर देना, जो लोग हमें बोलने वाले हैं कि वेज खाया करो, वेज खाया करो, वेज ही खाना है। कई लोगों ने मेरे को भी बोला कि आप भी नॉन वेज खाने लग गए, उन्होंने KFC में वेज भी मिलता है, ऐसा वेज भी मिलता है, नॉन वेज ही नहीं मिलता सिर्फ। तो हम KFC में इसलिए आए थे क्योंकि हमारी मैनेजर हैं जो हमारा ये सब हैंडल करती हैं डील्स वगैरह का, तो उन्होंने बोला कि उनको एक कूपन कोड मिला था, जिसकी वजह से आपको पिज्जा के कोड्स मिलते हैं। तो उन्होंने बोला कि उन्हें KFC का एक कूपन कोड मिला था, तो वो तो वहाँ पे जाएंगे नहीं, उनके नियर बाय पड़ता नहीं है, तो आप लोग चले जाओ। तो हम आए थे KFC में, टेस्ट करके बताओ हमें कि कूपन कोड काम कर रहा है नहीं कर रहा। तो हम आए थे KFC में वो कूपन कोड को टेस्ट करने के लिए। ऑर्डर प्लेस कर दिया है हमने, कौन सा वाला, वेज किया है, जल्दी से मील आएगा, हम खाएंगे और फिर हमारा टमी फुल हो जाएगा। फ्री का खाना बहुत अच्छा लगता है, टेस्टी। उसके ऊपर भी हमने किया है वैसे, 117 रुपए हमने दिया है, सर ये नहीं दिए क्योंकि हमने महंगा वाला ऑफर ले लिया, हमने सोचा जहाँ पे इतने पैसे ये दे ही रहे हैं तो 117 रुपए तो हम वैसे भी खर्च कर देते खाने पीने में, और फ्री का ऑफर छोड़ता कौन है, इस वजह से हमने महंगा वाला ऑफर। अदरवाइज हम आते नहीं, ना हमारे पास टाइम था, वो आज का ही कोड अवेलेबल था इसलिए हम आ गए, और क्योंकि आज इलेक्ट्रिशियन अंकल नहीं आए थे और घर खाली था। घर पे कोई भी काम करने वाले अंकल नहीं आए हैं, तो हमने सोचा एक दिन एटलीस्ट, किसी का मैसेज भी आया था कि आप है ना 2-3 दिन फ्री रहो, वीडियो ब्लॉग्स वगैरह मत डालो और आप है ना ब्रेक लो। तो थैंक यू सो मच, आपने इतना सोचा, लेकिन हाँ हम ज़्यादा ब्रेक लेंगे नहीं, आपने इतना बोल दिया वही काफ़ी हमारे लिए, क्योंकि ऑलरेडी निक्स किचन पे कुछ डल भी नहीं पा रहा है, निक्षरी ब्लॉग्स के लिए डल पा रहा है, तो वी आर थिंकिंग एटलीस्ट कुछ नहीं तो ब्लॉग तो रेगुलर वाले कॉन्टिन्यू हो, इसलिए तो आप जल्दी से खा पी के हम घर जाएंगे। आपका बोला हुआ तभी लग गया, नेक्स्ट डे हमें थोड़ा सा ब्रेक मिल गया, वो भी फ्री में। थैंक यू सो मच। तो गाइज़ ये आ गई हमारी मील, एक तो आ गई है, अभी एक आनी रहती है, और देख लो भाई सब वेज है, ये भी वेज है, ग्रीन डब्बे वेज वाली होते हैं, इसमें जो पैटी है आलू वाली वो आलू वेज ही होता है, ये रहा वेज, ये भी वेज होती है, ये भी वेज है। गाइस खा पी के हम फ्री हो गए हैं, और उसके बाद ना हमारे पास थोड़ा सा टाइम बचा हुआ था, तो वी थॉट के जो रूम के लिए लाइट्स वगैरह लेनी है ना, फोकस लाइट्स, एक बार वो भी ले लेते हैं। कहाँ पे आए हम,
सोल्जर इज नेवर ऑफ ड्यूटी, हमने सोचा कि एक दिन का रिलैक्स टाइम था, उसके बाद भी फिर भी हमें काम करना पड़ा उस टाइम में भी। ऑल्दो हमारी कोई वो नहीं है सोल्जर जैसी, बट ये है कि अपने काम से रिलेटेड तो हम यहाँ पे आए हैं, क्योंकि हमें लगा कि डे वेस्ट करने से बेटर है कि हम यहाँ पे आज के दिन सर्च कर लें, यूटिलाइज कर लें। किसी काम वाले दिन हम यहाँ पे आते तो कोई फायदा नहीं होता कि भाई वहाँ पे भी काम देखना है, यहाँ पे भी काम देखना है। तो हम आए थे शिवा मार्केट में, ये लाइट्स के लिए काफी ज्यादा फेमस है वाली। ये प्रीतम फोकस होने के लिए कैसे बीच में कैमरा में उछल के आए हो, है ना, है ना। तो यहाँ पे हम लाइट्स वगैरह लेने, एक्चुअली पापा और ना काकू एक बारी ऑलरेडी पूछ के जा चुके हैं यहाँ पे, तो मेरे को दिखाने के लिए काकू लेके आया था यहाँ पे से जो हमें फोकस लाइट लेनी है अपने स्टूडियो के लिए। तो चले गाइस, मार्केट से हम आ गए हैं और काफी देर नहीं लगी हमें वहाँ पे, बना रही हम वहाँ पे थे बट काफी शॉप्स पे वीडियो अलाउड नहीं थी इसलिए हम बना नहीं पाए थे, और अब हम घर की तरफ वापस से जा रहे हैं। तो घर पहुंच के देखते हैं कुछ होता है तो, अदरवाइज घर पे ब्लॉग एंड कर देंगे, ठीक है काकू। तो यार रात के 8:40 हो रहे हैं, कई लोगों को हमारे टाइम 8:33 हो रहे हैं, झूठ मत बोला करो। बेबी 8:40 हो रहे हैं, 8:38 हो रहे हैं, 40 कहां हो रहे हैं। कई लोगों को हमारा टाइम बताना पसंद नहीं है, बट टाइम हम इसलिए बताते हैं ताकि आपको थोड़ा आइडिया हो जाए, क्योंकि हम बोलते हैं अब हम यहाँ गए हैं, डायरेक्ट दूसरा शॉट आता है, अब हम यहाँ से आ गए हैं, तो आप सोचोगे क्या तभी के तभी एक जगह खड़े होकर वीडियो बना रहे, इसलिए थोड़ा टाइम का आइडिया देते ताकि आपको आइडिया रहे कि हाँ भाई हमें 1 घंटा 2 घंटा ऐसे हो गया। तो अब मैं जा रही हूँ घर, घर पे आके कुछ हुआ नहीं, खाने पीने का यहाँ पे कुछ हमें करना नहीं था क्योंकि हम बाहर से खा के आए थे इतना सारा, दो बड़े बड़े जिंगर बॉक्स लेके आए थे। तो आज के ब्लॉग को कहते हैं यहीं पे, और वेज थे वो, हमने वेज खाए थे, दोबारा से हम बता रहे हैं, कभी आप कमेंट सेक्शन में इतना सब लिख दो। तो आज के ब्लॉग को कहते हैं यहीं पे, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए सी यू, टाटा बाय बाय।